नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aaptayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज के सत्र में हम बात करेंगे ऑल ओवर इंडिया में VMS में एडमिशन पाने के लिए जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट के कॉलेज हो या नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब VMS में एडमिशन के लिए जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं हम उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि नीट का मौसम आ रहा है और इसके बाद फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएंगे, नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि BAMS में एडमिशन के लिए बच्चों का हेल्प हो, उसके लिए आज का वीडियो है। और फिर ये वीडियो हम ज़्यादा शुरू करें अच्छे से, उसके पहले हम आप लोगों को याद दिला देना चाहते हैं कि आयुर्वेद से जुड़ी ऐसी जानकारियों को पाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण हमारे बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि ये जानकारियाँ जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए दो तरह के इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, हमारे देश में उपलब्ध हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो संचालित है और एक स्टेट गवर्नमेंट के अधीन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि BAMS में एडमिशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस नेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अंतर्गत आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करवा के फिर काउंसलिंग करवाने उसके साइट पे जाइएगा तो उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंस्टीट्यूट आते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर आता है IMS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU के अंदर जो है। और फिर दूसरे नंबर पर दूसरा आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, NIA जयपुर। फिर आता है NIA, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, जो कि शिलोंग में है। तो ये तीन इंस्टीट्यूट हो गया। अब हम बात करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे और स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेज जो हैं उनकी बात किया करेंगे, जिसमें कि ऑल इंडिया के थ्रू भी 15% लोग जाते हैं और 85% तो स्टेट के थ्रू जाते हैं। तो और इस स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेज में भी बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां आप BAMS के लिए एडमिशन करवा के और अपनी पढ़ाई प्रारंभ करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कोई कॉलेजेज नहीं है। और आंध्र प्रदेश में है डॉक्टर NR शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज। असम की बात करें तो असम में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी में स्थित है। अब असम के बाद हम आते हैं बिहार से, तो बिहार में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना और दूसरा कॉलेज है राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद कॉलेज बेगूसराय। तो ये दो कॉलेज हो गया बिहार का। तो बिहार के बाद और आगे चलते हैं हम, चंडीगढ़ कोई कॉलेज नहीं है। फिर चंडीगढ़ के बाद आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलासपुर और श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर। और तो छत्तीसगढ़ में दो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज हो गए हैं। आगे छत्तीसगढ़ से हम चलते हैं दादरा एंड नगर हवेली में भी कोई कॉलेज नहीं है। दमन दीव में भी कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस BAMS के लिए नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद जो है CBPSES, तो ये हो गया। और दूसरा कॉलेज है आयुर्वेदा यूनानी एंड तिब्बिया कॉलेज, तो ये दो कॉलेज दिल्ली में आ गया है गवर्नमेंट कॉलेज। गोवा में BAMS के लिए कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। गोवा के बाद हम आगे बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में चलिए बात करते हैं गुजरात की। तो पहला है गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वडोदरा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जूनागढ़, गवर्नमेंट सेठ JP आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भावनगर, स्टेट मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद साइंस गांधीनगर, श्री गुलाब कुनवेड़ा आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल जामनगर, श्री गुलाब कुनवेड़ा आयुर्वेद महाविद्यालय जामनगर। तो ये हो गए गुजरात के BAMS के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब हम गुजरात से आगे चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हरियाणा में है श्री कृष्ण गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र, श्री मारू सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सोनीपत। हिमाचल की तरफ चलते हैं हरियाणा के बाद, तो हिमाचल प्रदेश में
है राजीव गांधी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला, जम्मू में हिमाचल के बाद उधर से जम्मू निकल जाते हैं तो जम्मू में चले तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अखनूर में है, और जम्मू में बस एक ही कॉलेज है। जम्मू के बाद आते हैं झारखंड में, तो झारखंड में कोई भी आयुर्वेद का बीएमएस का कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट। कर्नाटका का बात करते हैं तो कर्नाटका में जीएमसी बेंगलोर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, जीएमसी मैसूर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मैसूर, जीएमसी एंड टीचिंग हॉस्पिटल शिमोगा में भी है, और तारानाथ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बेल्लारी। तो कर्नाटका का ये चार गवर्नमेंट कॉलेज हो गया बीएमएस के लिए। कर्नाटका के आगे हम चलते हैं केरला के लिए, तो केरला में गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें हम तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कन्नौर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एर्नाकुलम एंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम, ये तीन कॉलेज बीएएमएस के लिए हैं यूजी कोर्सेस में। केरला के आगे हम लक्षद्वीप में चलते हैं, तो लक्षद्वीप में कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, और लक्षद्वीप के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्वालियर में है बीएएमएस के लिए, फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा, गवर्नमेंट धनवंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन और गवर्नमेंट अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय इंदौर। उसके बाद फिर आता है पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज भोपाल, पंडित शिवनाथ शास्त्री गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुरहानपुर। तो ये हो गई मध्य प्रदेश की बात, अच्छी खासी कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से आगे चलते हैं हम महाराष्ट्र के लिए, तो महाराष्ट्र में है जीएससी नांदेड़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद, फिर आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जलगांव, गवर्नमेंट आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर, आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई। तो ये हो गई महाराष्ट्र की बात। मणिपुर की में चलते हैं, तो मणिपुर में कोई भी सीट नहीं है, और मेघालय की बात करें तो मेघालय में वही जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ही एक तरह से कह सकते हैं आपको, निया नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ जो सेवन सिस्टर्स से हैं उन स्टेट को एक प्रिविलेज थोड़ा सीट दिया जाता है, लेकिन ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। मेघालय की बात करें तो मिजोरम नागालैंड इन सब में कोई भी कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का। उसके बाद ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में है गोपाबंधु आयुर्वेद महाविद्यालय पुरी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बोलांगीर, उसके बाद फिर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गंजाम के ए टी एस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज गंजाम। इसके बाद उड़ीसा के आगे हम चलते हैं पुडुचेरी में, तो पुडुचेरी में है राजीव गांधी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल छलक्कारा, ये पुडुचेरी में है। उसके बाद पंजाब में करें तो बात, तो पंजाब में है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटियाला। पंजाब में बस एक ही गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बीएमएस के लिए है, जीएमसी पटियाला। आगे करते हैं पंजाब से राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान में एमएमएम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय उदयपुर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर, और एक तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन एनआईए जयपुर। राजस्थान के आगे आते हैं सिक्किम, सिक्किम में कोई भी आयुर्वेद का अभी तक बीएमएस का कॉलेज नहीं है, और सिक्किम के बाद चलते हैं तमिलनाडु में, तो जीएएम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागरकोइल तमिलनाडु, जीएमसीएच नागरकोइल, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद तेलंगाना में अनंथा लक्ष्मी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वारंगल और डॉक्टर बी आर के आर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज हैदराबाद, ये बात हो गई तेलंगाना की। तेलंगाना में इसके अलावा कोई भी बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। फिर आगे करते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा में गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस के लिए नहीं है। और यूपी की बात करें तो यूपी में है बुंदेलखंड गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल झांसी, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बांदा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी, ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत, एसआरएम जीएसीएच बरेली, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल हांडिया प्रयागराज, ये था यूपी का। तो यूपी का एक बार और सुन लेते कि बुंदेलखंड, जीएससीएच झांसी, जीएससीएच बांदा, जीएएमसी लखनऊ,
GSCH वाराणसी, ललित हरि स्टेट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत, SRM GSCH बरेली, श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक GSCH हंडिया प्रयागराज। उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश से यूके की तरफ, उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में GAMC गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, ऋषिकुल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद कॉलेज हरिद्वार, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। तो ये तीन कॉलेज हो गया उत्तराखंड में, मात्र 3 BAMS का गवर्नमेंट कॉलेज है। यूके से चलते हैं, उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। तो वेस्ट बंगाल में है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो वेस्ट बंगाल में भी मात्र 1 ही BAMS का कॉलेज है। तो इस तरह से ये सूचना समाप्त होती है। और ये जो मैंने अभी बताई बात, तो ये बातें बस BAMS कोर्स के लिए, आयुर्वेद में UG कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जो ऑल ओवर इंडिया में हैं उसके बारे में बात की, मैंने प्राइवेट कॉलेज एक भी नहीं बताई। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेज BAMS के लिए कितने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।